भारतीय सिनेमा महोत्सव के एक अहम हिस्से के रूप में भारत के 70 साल का जश्न मनाते हुए ऐश्वर्या राय बच्चन मेलबर्न के बेहद प्रतिष्ठित फेडरेशन स्क्वायर में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि वो ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला होंगी। इसके अलावा सिनेमा जगत में अपने योगदान के लिए 11 अगस्त को वेस्ट पैक में आयोजित IFFM अवार्ड समारोह के दौरान भी उन्हें सरदार द्वारा सम्मानित किए जाने की बात है। ऐश्वर्या भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर पर अलग पहचान दिखाने वाली शख्सियत में से एक हैं। वो अपनी योग्यता और आकर्षण के कारण ही पूरे विश्व में विख्यात हैं। खबर ये भी है कि इस अवार्ड समारोह कार्यक्रम से जल्द ही विद्या बालन के साथ कुछ अन्य अभिनेत्रियां भी जुड़ने वाली हैं। बता दें कि जल्द ही ऐश्वर्या अपनी नई फिल्म फन्ने खां की शूटिंग शुरू करने जा रही हैं। हाल ही में ऐश कान फिल्म महोत्सव में भी शामिल हुई थी और विश्व स्तर पर उनकी लगातार चर्चा बनी रहती है। सुर्खियों में रहना और अपनी कामयाबी से पूरे भारत को गर्व महसूस करवाना ऐश्वर्या को अच्छी तरह आता है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।